बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी ने आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी ने, हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से आरएलडी और सपा ने आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, ऐसे में आपको बता दें कि आरएलडी ने सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर ही विजय प्राप्त की। यहाँ देख रहे हैं कि आज इसको लेकर के आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, आज अपने जो कार्यालय है उस पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का व्यवहार चाहते हैं, क्या सिस्टम्स वो बनाना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। विधानमंडल दल के नेतृत्व पे हम लोग विधायकों की जो राय है वो मैं राय उनकी लूंगा और फिर हम चयन करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से सपा और आरएलडी ने गठबंधन करके एक बार चुनाव लड़ा था, जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्या लगता है इसके पीछे क्या? उम्मीद थी, पूरी नहीं हुई। लखनऊ की जो तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर जो हम बनाना चाहते थे उसमें हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहुत चीज़ें हमने हासिल भी की हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आज भी ऊंचा है और जनता के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, कल जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सभी लोगों को बुलाया गया था, क्या आपको किसी तरह का निमंत्रण गया? नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं था और वो कोई मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को शुभकामनाएं, सभी जो विधायक चुन के आए हैं, जो मंत्री बने उनको शुभकामनाएं और हम उनको बधाई भी दे रहे हैं और आगे 5 साल पूरा उन पर दबाव भी बनाएंगे। सर, क्या लगता है कि आगे राज्यसभा के लिए आप जा सकते हैं क्या? उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई। ये थे हमारे साथ में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने जो चुनाव रहे हैं, चुनाव में इनके 8 विधायक जीते हैं। हालांकि इनके लिए अच्छी बात है कि इस बार बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से सरकार का गठन हुआ और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उनको बुलाया नहीं गया, हालांकि उन्होंने सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।